कांग्रेस की योगी सरकार सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए तमाम दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे ठीक उल्टा है। इन विद्यालयों में तैनात अध्यापक सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं। जहां एक ही कंपाउंड में प्राथमिक विद्यालय व माध्यमिक विद्यालय है, दोनों विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका गीता उपाध्याय है। दोनों विद्यालय का माध्यान्ह भोजन एक में ही बनता है, जबकि नियम है अलग अलग बनाना बच्चे का खाना। खाने के बाद प्लेट धोने के लिए NH 233 को पार करके वाटर सप्लाई के पाइप पर प्लेट धुलते नजर आते हैं। इस मासूम को क्या पता कब कोई हादसा हो जाए। इन मासूमों को देखकर एक बार आप भी विचलित हो गए होंगे कि जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं वहाँ के अध्यापक व बाकी का स्टाफ कितना लापरवाह है। यह मामला सिद्धार्थनगर जिले के बड़पुर विकास खंड के ग्राम संग्रामपुर स्थित प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय का है। आजकल विद्यालय में वार्षिक परीक्षा भी चल रहा है। इस विद्यालय का आलम यह है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बकायदा बच्चों को नकल कराया जा रहा है। इस मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीराम सिंह ने कहा कि अगर ऐसा है तो गलत है, मामले की जांच करवाकर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि योगी सरकार के अधिकारी शिक्षा लेने आए बच्चों के साथ क्या न्याय करते हैं, वह विद्यालय के अध्यापकों पर कार्रवाई करते हैं या नहीं। पेश है सिद्धार्थनगर के संवाददाता मोहम्मद अफाकी, खास रिपोर्ट। अगर ये आपके माध्यम से ये बात आई है तो मैं खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उस विद्यालय की जांच कराकर जो उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है कि बच्चों से किसी प्रकार का भी इस संबंध में कोई काम नहीं लेना है। हमारे यहाँ रसोईया नियुक्त है, रसोईया काम है भोजन बनाना और बर्तन साफ करना, ये रसोईये का मतलब जिम्मेदारी दी गई है। अगर ये मामला आता है तो हेडमास्टर के ऊपर ट्रैफिक में जो है एक ही टाइप है, तो बड़े बच्चे तो समझदार हैं, बड़े बच्चे भाई एक भी नहीं थे। अब छोटे कच्चे एक दो मना कीजिए, लेकिन सब कहीं ना कहीं तो निकल ही जाते हैं, दो चार निकल ही जाते हैं। अगर कोई हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? जी हम ही होते। अब एक सेकंड के लिए वहाँ चलेगा कल बच्चे निकल रहे, हम अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम बच्चों को नहीं जाने देते हैं। लेकिन अब कहीं आदमी अगर बताइए इमरजेंसी नहीं पड़ता एक दो मिनट के लिए। आपके यहाँ परीक्षा हो रहा है, ब्लैक बोर्ड पे पर्यावाची सब लिखे हुए हैं, देश के नाम, राजधानी सब कुछ लिखे हुए हैं, उसी रूम में बच्चे बैठ के बसते हैं। आप आज के बाद अगर कल आएंगे तो ये कंडीशन नहीं देखेंगे, अपने दाइयों को रोक के रखेंगे। मैं दाइयां मरेंडर में है, जहाँ खड़ा करते हैं वहाँ खड़े रखेंगे। किसी को इंतजाम कराना भी चाहिए तो बेवजह करने।